نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بزرگو नौजवान साथियों, अजीज और प्यारे बच्चों, एक हदीस जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नकल किया, मारूफ हदीस है जिसको हदीसे जिब्रील के नाम से जानते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आते हैं लोगों को दीन सिखाने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल बैठ जाते हैं, चंद सवालात करते हैं। उनमें पहला सवाल, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या है आप बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में कहते हैं, अन तुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर والقدر خيره وشره। ईमान अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पर, आखिरत पर और तकदीर पर ईमान लाना, यही ईमान है। हम मुसलमान हैं, बतौर मुसलमान हम अपने आप से सवाल करें कि हम में कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह जल्ल व आला की ज़ात को जानते हैं, जो हमारा रब है वो क्या करता है, कहाँ है, उसके सिफात क्या हैं, उसके नाम क्या हैं, उसके काम क्या हैं। बहुत से हम में से मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात से नावाकिफ़ हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी सही में
एक बाब बांधा है, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। इंसान कुछ काम करने, किसी चीज पर अमल करने या अपनी जबान से कुछ अदा करने से पहले उसको चाहिए कि वो इल्म हासिल करे। कौन सा इल्म है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने इस बाब के बाद जो आयत नकल की है उन्होंने लिखा, फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लें, आप इल्म हासिल कीजिए किस चीज का? अल्लाह ताला का, अल्लाह जल्ला वाला का। अल्लाह के बारे में आप जानिए कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। सबसे अहम इल्म अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात का इल्म है, अल्लाह ताला की मारिफत है। अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से नावाकिफ रहा तो ऐसे इंसान को जानवर भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जानवर अल्लाह ताला को जानते हैं, रब को जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लिल्लाहि मा फिस युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, यानी आसमानों और जमीनों में जितनी चीजें हैं चाहे जानदार हो या गैर जानदार, सारी की सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं। जानवर भी अपने रब को जानता है, अल्लाह ताला को जानता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। लेकिन अफसोस की बात है, इंसान और बिलखसूस मुसलमान जो कलिमा गो हैं वो अपने रब से, अपने रब के सिफात से, अपने रब के कामों से, अपने रब के नामों से नावाकिफ हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान सबसे पहले अपने रब का इल्म हासिल करे, अल्लाह ताला के बारे में इल्म हासिल करे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इल्म हासिल करेगा तो उसके दिल में जो तारीकी है वो तारीकी खत्म हो जाएगी, उसके दिल में जो शिर्क की गुनूदगी है वो खत्म हो जाएगी। इंसान का दिल तौहीद से, रब के इल्म से मुनव्वर हो जाएगा। तो आज के इस खुतबे में इसी से मुताल्लिक चंद बातें मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इल्म हासिल करने के कई तरीके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर बताया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अहादीस मुबारका में जिक्र किया है। मालिक इब्न दीनार का एक कौल है, मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि जो शख्स दुनिया में रब का इल्म हासिल नहीं किया उसने दुनिया में मजा ही नहीं उड़ाया। दुनियावी जिंदगी का जो असल मजा है वो रब की मारिफत में है। इस दुनिया में बहुत से मालदार ऐसे गुजर चुके हैं जिनके पास दुनिया भर के खजाने थे लेकिन उनके पास रब की मारिफत नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जिंदगी में जिंदगी का जो लुत्फ है, जिंदगी का जो मजा है उन्होंने नहीं उठाया। जिंदगी का असल मजा रब की मारिफत है, रब पर ईमान लाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इल्म हासिल करना है। इसी में सबसे ज्यादा मजा है और इसी की खातिर बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी और उनको कुर्बानियां देने में मजा आता था। अस्हाबे उखदूद का वाकया मारूफ है,
एक बच्चा जो एक जादूगर और एक राहिब के पास इल्म हासिल करता था, लोगों में मशहूर हुआ, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया। और जो कोई अबरस बीमार आदमी है, अंधा आदमी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता था और उसकी बीनाई लौट आती थी, उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। ऐसा बच्चा जब लोगों में मारूफ हुआ, किस्सा मारूफ है, इख्तिसार के साथ मैं बताऊंगा कि बच्चा जब इसकी शोहरत बढ़ने लगी तो बादशाह ने उसको कत्ल का हुक्म दिया, ले गए पहाड़ से गिराने के लिए। अल्लाह ताला ने पहाड़ में जलजला पैदा किया, जो लोग उसको गिराने के लिए, तबाह करने के लिए, कत्ल करने के लिए ले गए थे वो खुद तबाह हो गए और वो बचकर आ गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको समंदर में फेंक दें, समंदर में गर्क कर दें। ले गए समंदर में गर्क करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला वहां भी उसको बचा लिया। और जब बादशाह मजबूर हो गया तो ये बच्चा बादशाह को मशवरा देने लगा, कहा सारे लोगों को जमा करो एक मैदान में, सारे लोगों के सामने बिस्मिल्लाह व रब्ब हादल गुलाम ये कलिमात पढ़कर तुम मुझे मारो, मैं मर जाऊंगा। और ऐसे ही हुआ, अल्लाह का नाम लेकर उस बच्चे को मारा गया और वो बच्चा मर गया। जितने लोग आसपास पे खड़े थे उस बच्चे के रब पर ईमान लाने लगे। जब उन्होंने ईमान लाया, जिंदगी का लुत्फ देखी, जिंदगी का मजा देखी, जब लोग उस बच्चे के रब पर ईमान लाने लगे तो बादशाह ने बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाई, आग जलाया, और जो भी लोग उस बच्चे के रब पर ईमान लाने लगे उनको उस ईंधन में, उन खंदकों में फेंकने का हुक्म दिया। और आसानी के साथ जितने भी लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए थे, आसानी के साथ वो उस आग में कूदने लगे, जर्रा बराबर तकलीफ नहीं। एक माँ अपने बच्चे को आग के करीब, आग में कूदने के लिए पहुंचती है और बच्चा गोद में है, बोल पड़ता है कि डरो नहीं, सब्र करो और आग में कूद जाओ। ये जिंदगी का मजा है, ये ईमान है। आज हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे दिलों से खत्म हो गया है। इसका नतीजा क्या है कि हम हर चीज से, दुनिया की हर चीज से हम डर रहे हैं, एक ही नतीजा है। और जो मुसलमान जिल्लत सह रहे हैं इस दुनिया में, आज के दौर में बिलखुसूस, इसका नतीजा क्या है? रब की मारिफत नहीं है, रब का इल्म हमारे दिलों में नहीं है। अगर हम रब के बारे में इल्म हासिल करते हैं, रब की मारिफत हासिल करते हैं, तो हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अजमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो जलाल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इकराम है, वो हमारे दिलों में पैदा होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे दिलों में पैदा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी। जब ये सारी चीजें हमारे दिलों में पैदा होंगी तो दुनिया की हर चीज हमसे डरेगी। इब्ने उसीमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि जिस आदमी के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर ना हो, ऐसा आदमी दुनिया की हर चीज से डरता है। और जिस आदमी के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, दुनिया की हर चीज उस आदमी से डरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ذات से متعلق علم حاصل کرنے کے سبب اللہ رب العالمین ساری دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔
انسان جتنا چاہے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ ذکر کیا, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو غرق کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی. کیا اس کو کوئی غرق کر سکا؟ کوئی اس کو مٹا سکا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کے دل میں علم تھا, اللہ رب العالمین کا تقویٰ تھا, اللہ رب العالمین کا ڈر تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں میں توحید کا علم پہنچانے لگے, لوگوں نے کیا کیا؟ انہیں آگ میں ڈالا. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ آگ کا کام ہے جلانا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیے, جو جلانے کی کیفیت ہے آگ میں, اس کیفیت کو ہی اللہ رب العالمین نے چھین لیا. اللہ رب العالمین ایسے مدد کرتا ہے اس آدمی کی جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے, جس کے دل میں اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہے. ورنہ ایسا انسان جانور سے بدتر ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کریں. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, ایمان کیا ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. آج ہم سنتے ہیں حدیث, سینکڑوں مرتبہ ہم سن چکے ہیں, لیکن ایمان ہم کیسے لائیں گے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی اس کے بارے میں ہم نے علم حاصل کیا؟ کبھی نہیں کیا. ایمان کا مطلب ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, چار چیزیں. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا, اللہ رب العالمین کے وجود پر, کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے, اس پر ایمان لانا چاہیے. ملحدین جو رب کے ہونے کا دعویٰ, رب کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو رب کا انکار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تردید کرتے ہوئے کہا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ اچانک پیدا ہو گئے بغیر کسی چیز کے, یا یہ خود اب پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض, یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون, نہیں, بلکہ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے رب کے وجود پر. ملاحدہ جو ملحد ہیں, اس دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہیں جو رب کے ہونے کا دعویٰ, رب کے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, رب کا سرے سے انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ یہ لوگ اچانک پیدا ہو گئے بغیر کسی چیز کے. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی پیدا ہو گیا کسی کی مدد نہیں؟ یا کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا انسان. ایک مکھی, ساری دنیا مل کر اگر ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا انسان. یہ رب کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو اللہ رب العالمین کے وجود پر ہم ایمان لائیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا موجود ہیں, ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے, اور اس بات کی نشانی ہے. ہم دیکھیں ہماری فطرت, انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ودیعت کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فطرت سلیمہ جس کو کہتے ہیں,
हर इंसान दुनिया का, चाहे वह रब के होने का इनकार करे, रब के वजूद का इनकार करे, लेकिन उसके अंदर, उस इंसान के अंदर एक ऐसी फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, वो फितरत कभी ख़त्म नहीं होती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जिक्र किया, कुल मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है फितरत पर पैदा होता है, इस्लाम पर पैदा होता है, तौहीद पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानि औ युनस्सरानि औ युमज्जिसानि, इन उस बच्चे के वालिदैन उसको या तो यहूदी बना लेते हैं, या नसरानी बना लेते हैं, या मजूसी बना लेते हैं, लेकिन बच्चा पैदा होता है इस्लाम पर। और इस ये जो फितरत अल्लाह ताला ने उसके दिल में रखा है, वो फितरत कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान से अहद भी लिया है। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मिट्टी से, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, क़ियामत तक जितने लोग पैदा होते हैं उन सारे लोगों को एक हश्र, एक मैदान में जमा किया और उनसे अहद लिया। क्या अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम قالوا بلا شهدنا, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। हर इंसान ने गवाही दी कि अल्लाह ही हमारा रब है, और ये फितरत है, और ये फितरत इंसान के दिल से कभी ख़त्म नहीं होती। وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या जिक्र किया, फितरत देखिए, मुशरिकीन के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मुशरिकीन जब समंदर का सफ़र करते थे, किसी मुश्किल में फंस जाते थे, रब की इबादत नहीं करते थे, रब के अलावा माबूदाने बातिला की परस्तिश करते थे, उनसे मदद मांगा करते थे, लेकिन वो जब सफ़र करते थे, किसी मुश्किल में फंस जाते थे, उस वक्त फितरत गालिब आती थी। इंसान के दिल में जो फितरत है वो गालिब आती थी। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और वहां उस मुश्किल में इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उस मुश्किल से नजात दे देता। और जब वो समंदर से हटकर जमीन की तरफ लौट आते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करते थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। तो सबसे पहली चीज़ कि इंसान के दिल में फितरत है, और वो फितरत ये कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है, इस पर ईमान लाना चाहिए सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को पालने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का रब है, खालिक है, राजिक है, मुदब्बिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं सारी की सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है, और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क दे रहा है, सारी चीज़ों को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इस बात पर हमें हमारा एतकाद होना चाहिए। क्या पैदा करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई शरीक है, कोई उसका पार्टनर है? नहीं है। और ये एतकाद मुशरिकीन मक्का का भी था, वो कभी ये नहीं कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और ने पैदा किया, वो कभी ये नहीं कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और रिस्क देता है, उन्होंने कभी इस चीज़ का इनकार नहीं किया, बल्कि उनका दावा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में
सवाल किया, वला इंसअलतहुम मन खलक अस्समावाति वल अर्द, अगर आप मुशरिकीन मक्का से पूछेंगे कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो वो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। ये मुशरिकीन का अकीदा था, किसी ने इस चीज का इनकार नहीं किया। एक और जगह अल्लाह ताला ने कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप इन मुशरिकीन मक्का से पूछिए, इन काफिरों से पूछिए कि उन्हें रिज्क कौन देता है, तो कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रिज्क देने वाला है। इसका इनकार नहीं किया है। दुनिया जो चल रही है इसको कौन चला रहा है, इसकी तदबीर कौन कर रहा है, रब के अलावा कोई और हो सकता है? कोई नहीं, ना उसका कोई मददगार है, वो अकेला है जो दुनिया की हर चीज को उसने पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या कहा अल्लाह रब्बिल आलमीन ने, सारे जहानों का रब, पालने वाला, पालनहार, तदबीर करने वाला। हम अपने रब की जात को इसके जरिए पहचान सकते हैं, एक फितरत है, और दूसरी चीज जो आयात हैं, जो निशानियां इस दुनिया में हैं, इन निशानियों को देखकर भी हम अपने रब को पहचान सकते हैं, उस पर ईमान ला सकते हैं, जिसको आयात कौनिया कहते हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों को पैदा किया और बगैर सुतून के आसमान खड़ा है। क्या किसी कोई आदमी ये कर सकता है, बगैर सुतून के इतना बड़ा आसमान जिसकी कोई इंतहा नहीं, हम उसका तसव्वुर, उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा आसमान किसने पैदा किया और किसने खड़ाया उसको बगैर सुतून के, है कोई रब के अलावा? कोई नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम रब की कदर करें, रब की जो अजमत है उसको हम जानें, और ये एतकाद रखें कि हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया, आसमानों को, जमीनों को, सूरज और चांद को, सितारों को, जितने सैयारे आसमान के नीचे हैं सारे सैयारों को, जमीन में जितनी चीजें मौजूद हैं चाहे जानदार हो या गैर जानदार, सारी चीजों को पैदा करने वाला, सारी चीजों की तदबीर करने वाला, सारी चीजों को रिज्क देने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ रब की जात है। और रब जो तदबीर करता है वो हिकमत पर मबनी होती है। अल्लाह ताला जो भी करता है, चाहे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर हमें अच्छी लगे या बुरी, लेकिन वो मसलहत से खाली नहीं होती है। याद रखें, मसलहत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई भी काम मसलहत से खाली नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर काम में खैर होता है, खैर के बगैर कोई काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं होता है। उसकी एक मिसाल, चाइना में चंद शरपसंद लोग ये दावा करते थे कि वो काश्तकारी क्या करते थे, ज़राअत करते थे। जो चिड़ियां हैं, परिंदे हैं, उनके खेतों में आते और उनका अनाज ले जाते। अनाज का तकरीबन 10% हिस्सा, 10% हिस्सा नुकसान होता था, ये परिंदे खा कर जाते थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया, कहा क्यों ना हम इन परिंदों को ख़त्म ना करें, ताकि 10% अनाज का जो हमें नुकसान हो रहा है वो बच सके, उससे हम फ़ायदा उठा सके। उन्होंने तदबीर की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर कई गुना बेहतर है। तदबीर की, उन्होंने सारे परिंदों को किसी केमिकल के जरिए मार दिया, परिंदे खत्म हो गए, काश्तकारी किए। और जब अनाज काटा गया तो 50% का नुकसान था, 50% का नुकसान।
اللہ رب العالمین کی تقدیر سے تدبیر سے انہوں نے کھیلا جس کا نتیجہ یہ ہوا 50% اناج سے. کیسے ہوا؟ ان کے اناج میں کیڑے پیدا ہو گئے, ان کے کیڑوں نے مکوڑوں نے ان کے اناج کو کھا لیا, اور یہ پرندے ہوتے تو ان کیڑوں کو کھایا کرتے تھے. 10% کا نقصان تھا, لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی جو تدبیر تھی اس میں مداخلت کی کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا, اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَطُونَ. ایک باپ جب کاشتکاری کیا کرتا تھا تو اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کیا کرتا تھا. بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارا کیسا باپ ہے, ہم بڑی محنت سے صدقہ کاشتکاری کرتے ہیں, زراعت کرتے ہیں, اور ہمارا باپ اس میں سے صدقہ کر دیتا ہے. جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو صدقہ کیا کرتا تھا ہم نہیں کریں گے, کیوں ہم دیں, ہم اپنی محنت دوسروں کو کیوں دیں. اللہ تعالیٰ نے نقل کیا, انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. انہوں نے کاشتکاری کی, فصل کو کاٹنے کے لیے نکل پڑے صبح سویرے چھپ کر تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے, اگر کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو ہماری اتباع کرتے ہوئے ہمارے پیچھے آ جائے گا اور ہم کو اس کو اناج دینا پڑے گا. اس لیے انہوں نے چھپتے ہوئے نکل گئے. جو باپ کا طریقہ تھا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا تھا اس میں انہوں نے مداخلت کی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ان کے کھیتوں کو اللہ تعالیٰ راتوں رات برباد کر دیا. نتیجہ ہے, اگر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا, وہ اللہ رب العالمین کو حقیقی معنی میں رب مانتے, اس طرح کی حرکت نہیں کیا کرتے تھے. مال و دولت ہی کچھ نہیں, یہ کچھ بھی نہیں دنیا, حقیقی دولت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے, یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا, کہ رب موجود ہے آسمانوں میں, اس کی ذات موجود ہے آسمانوں میں, اس پر ایمان لانا. دوسری چیز اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا, ساری چیزوں کو رزق دینے والا, ساری چیزوں کا حقیقی مالک, ساری چیزوں کو چلانے والا, تدبیر کرنے والا رب کی ذات ہے, یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز, جب ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے میں اکیلا ہے, رزق دینے میں اللہ اکیلا ہے, ملکیت میں اکیلا ہے, تدبیر کرنے میں اکیلا ہے, تو کیا عبادت میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. تیسری چیز ہے جس کو ہم توحید الالوہیہ کے نام سے جانتے ہیں, الوہیت, یعنی رب کو حقیقی معبود ماننا, یہ تیسری چیز ہے. بہت سے مسلمانوں کو اگر ہم سوال کریں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, تو اکثر مسلمان اس کا مطلب غلط بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, حالانکہ معبود ہیں اللہ کے علاوہ. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پرستش کر رہے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو معبود کہتے ہیں. کیا وہ معبود نہیں ہوئے؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے نا. جو کافر جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے. جو یہ بت پرستی ہو رہی ہے کہ یہ معبود نہیں ہے,
मुसलमानों में जो कब्र परस्ती हो रही है कि ये माबूद नहीं है, वो भी माबूद हैं। हकीकत में हमें क्या कहना चाहिए कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, माबूद हैं सारे के सारे माबूद बातिल हैं। ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सच्चा माबूद है, अल्लाह के अलावा जितने भी माबूद आने बातिल आए, जितने भी माबूद हैं सारे के सारे माबूद बातिल हैं। और इसी की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों से जितनी किताबें नाजिल किया है, ये तौहीद उलूहियत की खातिर नाजिल किया है, इबादत की खातिर अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। जितने भी रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में भेजा है, सारे रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद उलूहियत की खातिर भेजा है, इबादत की खातिर भेजा है कि लोगों को इस बात की दावत दें कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, उसी की इबादत होनी चाहिए, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। यही दावत लेकर जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए या रसूल इस दुनिया में आए, यही दावत लेकर आए। आज हम मुसलमान हैं, कलिमा गो हैं, लेकिन अल्लाह के साथ खुला शिर्क करते हैं और हमें मालूम भी नहीं। चंद मिसालें अगले जुमा में इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो हमें चाहिए कि हम रब पर जो ईमान लाते हैं तो चार चीज़ों का हम ख्याल करें। पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर हम ईमान लाएं। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से ये एतकाद रखें कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक, मालिक, मुदब्बिर है। और तीसरी चीज़, जब अल्लाह ताला हर चीज़ पैदा करने में, रिस्क देने में, तदबीर करने में अकेला है तो वह इबादत में भी अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है तौहीदुल अस्माई व सिफात, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं उसको हम पहचाने, उस पर ईमान लाएं। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में जो सिफात जिक्र की हैं कुरान मजीद में, या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जो सिफात जिक्र की हैं, उसको मिनवान वैसे ही तस्लीम करें जैसे अल्लाह के रसूल या सहाबा ने तस्लीम किया था, उसमें अपना जहन ना लड़ाएं। तफसील इंशाअल्लाह अगले जुमा में मैं जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही माने में रब की मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नाम हैं बेशुमार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम हैं। और जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम जिक्र किए हैं उन नामों को हम याद करें, उन नामों के ज़रिए हम अल्लाह ताला से दुआ करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईना इस्मा मन अहसाहा दखल अल जन्ना, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उन नामों के ज़रिए अगर कोई आदमी अल्लाह ताला से दुआ करेगा, उन नामों को जो आदमी याद करेगा, ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि हम इन नामों को जानें, इन नामों को याद करें, इन नामों के अंदर जो अल्लाह ताला ने सिफात बयान किया है उसको जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब सुन्नत पर सही माने में समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم।